आने लगे और मन में लाख अभिलाषा भर करके कि ये पूछूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, कैसे होंगे प्रियतम, कब आएंगे, कब आएंगे, हमारी चर्चा किए कि नहीं, हमारी चर्चा किए कि नहीं, तो वही अभिलाषा मन में लेकर के आ रहे हैं। धाई धाम धाम ते आवाई सोनी उधव की धाई धाम है, भर गए थे और चल रहे थे, अभिलाषा उनको तेज चला रही थी। कह रत न कर आवाई सुनी उद्धव की। उद्धव जी का आगमन सुन करके गोपियां अपने अपने घर से दौड़ दौड़ कर आईं। सबके मन में कृष्ण विषयक अनेक अभिलाषाएं थीं, या अभिलाषाओं से तेज आ रही थीं या भरी हुई थीं। लेकिन जब उद्धव जी को देखा उन लोगों ने, तो उद्धव जी खिन्न थे। नंद बाबा और जसोदा जी को सुख नहीं दे पाए, समझा नहीं पाए, तो वे सुखी नहीं थे। और गोपियों की दशा भी देख करके वे सुखी नहीं थे। कहे रत्नाकर पर बिलक विकल बिलोकी तिन्हें, तिन्हें मैंने उद्धव जी को देख करके कि ये विकल हैं, दुखी हैं, तब उनको ये विश्वास हो गया कि लगता है कि प्रियतम के आने की संभावना नहीं है। उद्धव जी उदास है, तो सकल करेजो थामी आपुन पहलवे रही, अपने कलेजे को थाम करके, पकड़ करके अपने विषय में वे खेद कर रही थी, रो रही थी, और उद्धव जी के मुख पर देख रही थी। उद्धव जी के मुख पर देख रही थी, तो रत्नाकर जी ये कहते हैं कि लेखी निज भाग लेख रेख तीन आनन की। वे उद्धव जी के मुख पर देख रही थी और अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही थी। अपने भाग्य की रेखा आदमी अपने चेहरे में चाहे हाथ में पढ़ता है, लेकिन गोपियां उद्धव जी के चेहरे पर अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही थी। इसका मतलब है कि देख रही थी क्या मुद्रा है, क्या श्याम सुंदर आएंगे हमारे पास। ये शुभ रेखा मानी जाएगी, शुभ रेखा। तो उद्धव जी के चेहरे पर देख रही थी और अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही थी। जाना न कि ताही अतुरी से मन मोए रही, अपने मन में समाहित करके हृदय को, और इस तरह से उद्धव जी का चेहरा केवल देख रही थी, ये भाव है।
आंस रोकी, सांस रोकी, पूछन हुलास रोकी। कुछ देर के लिए गोपियां अपने आंसुओं को रोक ली और सांस भी रोक लिया और पूछने की लालसा भी रोक लिया। सब रोक करके निराशा की मूर्ति जैसी वे खड़ी की खड़ी रह गई। उद्धव जी से पूछ रहे हैं, पूछने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। जानी मस्तम जदुपते जदुपते पार्षदम संपागत। जदुपते पार्षदम, हम जानती हैं बिना पूछे, कहती हैं बिना कुछ बताए अपना परिचय, उद्धव जी से कहती हैं हम जानती हैं, इसका मतलब आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम प्रश्न कोई और क्या पूछे, जानती ही हैं कि आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, कौन भेजा है, जदुपति भेजे हैं जो जादुओं के राजा बन गए हैं इस समय मथुरा, वो भेजे हैं। अब तो उनको गोपीपति कहलाने में लज्जा भी होती होगी, अगर कोई कह दे ये ग्वाले हैं, गाय चराए हैं, तो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। जदुपति शब्द का यह अर्थ जादुओं के पालक। अब जदुपति के पार्षद हैं, ब्रजपति के नहीं, ये मतलब है। अब तो उनको कोई कहता होगा गोपाल तो लज्जा से मुख नीचे कर लेते होंगे, कहाँ हम राजा हैं और हमको गोपाल कहा जा रहा है। गोपाल माने गौओं का पालन करने वाला, गाय चराने वाला। इसमें यही भाव है कि और हम जानती हैं, जानती हैं इसका मतलब कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब जानती हैं। अब जैसे आए हैं मथुरा से वैसे जाइए, हमें बात नहीं करना है। जदुपति के पार्षद है ना, और जदुपति ने आपको भेजा है, और भेजा है तो ये भी हमको पता हो गया है कि क्यों भेजा है, माता पिता के लिए भेजा है। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्म है, अन्यथा इस पूरे गो ब्रज में उनके स्मरण का विषय कोई हो सकता है ये हम नहीं जानते, देख ही नहीं रहे हैं, किसकी याद करेंगे। कोई याद करने योग्य है तो होगा, तब न याद करेंगे। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्म है, प्रेम की यही भाषा है। इस ब्रज में माता पिता के अलावा कोई और स्मरणीय है, स्मरण कभी किए होंगे मथुरा में एक मिनट भी, ये हम नहीं देख रहे हैं। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुरे रपि सुदुस्तेज, अरे वो तो सन्यासी नहीं है, मुनि नहीं है, एक गोप हैं, तो वे क्यों नहीं माता पिता से संबंध रखेंगे, सबको भूल गए। माता पिता को नहीं भूले होंगे, माता पिता की याद आई इसलिए आपको भेज दी। परिवार के लोगों से जो संबंध है, अपने देह के संबंध ही, वो मुनियों के लिए भी सुदुस्तेज, मुनि लोग भी नहीं छोड़ पाते हैं, सब छोड़ करके वन में जाते हैं मुनि लोग। मुनि का अर्थ है मननशील, जो पूरा ज्ञानी है, सब बात समझते हैं, उनके द्वारा भी बंधुओं का स्नेह छोड़ना कठिन है। कहीं भी जाएं, वृंदावन में जाएं, कहीं जाएं, पर
परिवार के लोगों से संबंध रखना रखते हैं मुनि लोग भी, है ना। मुनि लोग भी भूल नहीं पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, मुनेरपि सुदुस्त्यज। मुनियों के लिए भी परिवार का संबंध छोड़ देना कठिन है। अपने फैमिली की याद किए हैं, भेजे हैं, हो सकता है मथुरा से कई स्वर्ण मुद्रा भी भेजे होंगे, क्या क्या रथ आया तो रथ पर क्या क्या लाद करके आया था, हम क्या जाने, हमको क्या मतलब है इससे, किसी की याद करें। अन्य स्वर्थ कृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम पुंभी श्रीसु कृता जदवत सुमन श्री सकते। और परिवार के अलावा अन्य लोगों से जो प्रेम किया जाता है अर्थ कृता मैत्री होती है, कोई खास मतलब होता है, अपना मतलब साधने के लिए प्रेम किया जाता है। और वो भी जब तक स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैत्री की का नाटक ही होता है, सच्चा प्रेम नहीं किया जाता है। और जो भी प्रेम होता है दिखाऊ होता है, जावद अर्थ विडम्बन। जब तक अर्थ पूरा नहीं हुआ तब तक दिखावा होता है, अर्थ पूरा हो गया तो बस चल देते। तो हम लोग तो उनके परिवार की नहीं है, हमारे साथ उनका विवाह भी नहीं हुआ है, तो हमारी क्यों याद करेंगे। भगवान रो रहे हैं, उद्धव जी को भेजे हैं कि गोपियों को ये बात कहिएगा वो कहिएगा, वो कह नहीं कुछ भी सुनने, संदेश सुनने की जरूरत नहीं। अब जैसे संदेश लेकर के आए थे वैसे ही लेकर मथुरा चले जाइए, हमको नहीं सुनना है। हम सब जानते ही हैं, सुनना क्या है। न आपसे हमको मतलब है, न आपके स्वामी से कोई मतलब है। लगता है कि भूल करके भेज दिए, आपको कहीं और जाने के लिए कहे होंगे, आप आ गए हमारी गोष्ठी में। ये नाटक में कभी कभी लोग बोलते हैं, आपको जाना कहीं और था, भूल कर आ गए क्या यहाँ। ऐसे बोलते हैं। श्री गोपी जनों का प्रेम ऐसा है जिसको समझ पाना बड़े बड़े लोगों के लिए मुश्किल है। उद्धव जी इसको समझे, बाद में समझे, तब गोपियों के चरण की वंदना करने लगे, चरण धूलि में लौटने लगे। ये पहला वाक्य से प्रारंभिक वाक्य है, इसकी विशद व्याख्या है, बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है। हम तो रत्नाकर जी का पद खोज रहे थे, वो इसमें है ही नहीं लगता है, भूल से छूट गया वो पद। इस तरह से है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधे ब्रज गावने में तावन जब लगी। एक है रतन कर बुवाली नाखी झर झर, दौड़ दौड़ मम
छाति सोहन छवलगे एकी पेकी पाती छाति सोहनी छवलगे हम कोली खोहे कहाँ हम कोली खोहे कहाँ हम प्रिय श्याम सुंदर के भेजे हुए उद्धव के आने की सूचना जब मिलने लगे गांव गांव में तो रत्नाकर कभी कहते हैं कि झुंड की झुंड ग्वालिनें गोपियां नंद बाबा के पौर पर आने लगी और उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर। उद्धव जी ऐसे पत्र लेकर के खड़े हैं, पत्र बांचना चाहते हैं तो गोपियां उसके पहले ही कहती हैं उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर, अपने चरण कमल के पंजे पर उझक उझक करके देख रही हैं। चारों ओर उद्धव जी को घेरी हैं, उद्धव जी बीच में हैं, अब देख रही हैं पत्र में कैसा पत्र है। और इसके बाद प्रत्येक के मुख से यही निकल रहा है कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा ना सब लगी कि प्रियतम श्याम सुंदर मेरे विषय में क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं। श्री राधा रानी आदि सभी गोपियाँ कहने लगी हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा ना सब लगी हमको क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं, हमारे विषय में क्या लिखे हैं, ये सब कहने लगे। यही स्वाभाविक वर्णन है। इस तरह से कोई नया अखबार लेकर के खड़ा होता है तो लोग देखने लगते हैं क्या लिखा है क्या लिखा, और तुरंत पढ़ करके पूरा किया तो दूसरे लोग उसको लेकर के पढ़ने लगते है ना, साधु भी लेकर के पढ़ने लगते। भागवत पढ़े नहीं, गीता पढ़े नहीं और कौओं के तीर्थ में बैठ गए। सब काक तीर्थ है, कौए जुटते हैं और सब क्या हुआ क्या हुआ, काम 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 काम, ये सब कौओं का बिजनेस है, गंदा चीज सब पढ़ते जाना। वास्तव में जो हंस होता है वो श्रीमद् भागवत पढ़ता है। तद बायसम तीर्थम उसंति, नारद जी कहते हैं कि जिस ग्रंथ में भगवान के रूप लीला गुण आदि की चर्चा नहीं है, ये सब वैदिक ग्रंथ भी जिनमें भगवान के रूप गुण की चर्चा नहीं है तो बायस तीर्थ कौओं का मेला। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कौए कहाँ जुटते हैं, जहाँ जुटते हैं उनको बायस तीर्थ कहते हैं। कौए कहाँ जुटते हैं, कौए कचड़ा के जगह पर जुटते हैं, वो खोजते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है, अपने चोंच से तो खोजते रहते, तो वहाँ क्या चीज़ है। मनुष्य का खंखार है, बच्चों का मल है, गंदा चीज है और उसी को खाते हैं। वैसे ही जो कौए हैं उनको क्या चीज खाने को चाहिए, अखबार चाहिए। पहले अखबार में कहाँ क्या मर्डर हुआ, क्या क्या चोरी हुई, ये सब पढ़ना, किसकी हत्या हुई, यही सब है ना। और कौन महाझूठा पटना में दिल्ली में लखनऊ में क्या बोला, और सुखदेव गोस्वामी की बात नहीं पढ़ते हैं, श्री भगवान हुआ चाह भगवान की बात नहीं पढ़ते हैं और वही सब पढ़ते हैं, यह हुआ चाह यह हुआ चाह यह हुआ चाह ये बोला, सब झूठ है। और कौओं का मेला ऐसे ही जगह लगता है,
सवेरे सवेरे ये सब न्यूज़पेपर अभी पढ़ना है, अपने जीवन को अधोगति में डालना है वास्तव, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। ये सब जो पढ़े तो उसको हंस कहा गया है, राजहंस या परमहंस। और जो भगवत भावनाहीन भगवान की कथा से हीन बातें पढ़ता है उसको बहुत बुरा कहा गया है। शास्त्रकार उसको पहले तो कह रहे हैं कि वो बायस है, कौआ है, बायस माने कौआ है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं खलों के लिए कि मैं अपनी दिश की निहोरा तैन निजोर न लाओ भोरा। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो राम में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो कविता का गुण केवल देखना चाहते हैं, तो हमारे कविता में कोई गुण नहीं है। एक ही गुण है कि इसमें भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, लेकिन फिर भी हमारे रामायण की जो निंदा करेंगे उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि निंदा कोई चीज़ नहीं है, मैं भगवान का गुण गाया हूँ। ये कोई ना कहे कि ये रस नहीं है, ये छंद ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो सबके बाद वे कहते हैं अब मैं अपनी दिश की निहोरा, मैं तो अपनी ओर से निहोरा किया कि आप लोग इसको मत पढ़िएगा, इसमें दोष भरा हुआ है, आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन वे नहीं मानेंगे, पढ़ेंगे और निंदा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहते हैं वे पढ़ेंगे और जरूर निंदा करेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं बायस पली हहीं अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहू की कागा। यदि किसी कौआ को खूब अनुराग से पोसा जाए, उसको खीर खिलाया जाए, दूध खिलाया जाए, लेकिन वो छूटेगा, उसको गंदा खाने का अवसर आएगा तो खाएगा ही। कहीं मरे हुए पशु का मांस खाता है और कहीं मल खाता है, यही खाता रहता है ना। तो सबसे पहले वो आ करके जुटते हैं कहाँ पर ये चीज़ है। भागवत पढ़े, गीता पढ़े तो लोग कहेंगे अभी कौआ लोग अखबार भी नहीं पढ़े और तुम लगे पढ़ने, अभी उनको पढ़ने दो मॉर्निंग न्यूज़, टीवी पढ़ने टीवी देखने दो, है ना। ये बहुत कितना दुर्दशा है आदमी की। आखिर अपनी बुद्धि कैसे फ्रेश होगी जब हम वही कचरा पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे आशा करेंगे कि हमारा जीवन भव्य होगा, हम भगवान को समझेंगे। भगवान को समझने के लिए कुछ नियम है, कम से कम सवेरे उनको प्रणाम करना, मंदिर में आना, या अपने घर में जो फोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, उसको प्रणाम करना। तो जीवन में एक शुभ है, ज्ञान का उदय होता है, भगवान से संपर्क होता है। इस मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि नहीं हम आँख से कुछ भी पढ़े, कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, सुनने से भगवान को नहीं समझ पाएंगे और इस तरह से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवान के विषय में पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी नहीं जानता है तो सुने, सुनना भी नहीं, सुनने का भी समय नहीं है तो भगवान का नाम जपे, ये तो समय है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जीवन मिला है इसको शुद्ध रखने के लिए और भगवान से जोड़ने के लिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है। समय क्यों नहीं मिलता है? कथा के लिए अगर अनिवार्य आदमी मान भावना कर ले कि हमें सुनना ही है तो समय क्यों नहीं मिलेगा? समय कुछ लोगों को समय मिला हुआ है, अमेरिका से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, इतने दूर दूर से लोग आए हैं, तो आखिर समय निकाले ना। ऐसा नहीं है कि सब फालतू थे, उनका कोई काम धंधा नहीं था तो चलो अब समय बिताने के लिए खडिया चल दे, ऐसा नहीं है।
अर्जेंट काम में हैं, लेकिन सभी अर्जेंट काम का लिस्ट बनाया जाए तो सबसे टॉप पर नंबर रहेगा कथा सुनना, सबसे अर्जेंट यह है। तो इस तरह से बड़े अनुराग के साथ अपना भाग्य मान करके भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री।